चाहे बिहार बोर्डो, सीबीएसई या आईसीएसई, पर डजेंट मैट आर्ट्स के लिए अलग कोर्स होते हैं, कॉमर्स के लिए अलग कोर्स है। क्या फॉरेन कंट्री में भी आप एजुकेशन मतलब जा सकते हैं? इतना सारा कोर्सेज आपने बताया, इसमें से ऐसा कौन सा कोर्सेज आप बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को, जिन्हें करने के बाद उन्हें ये लगे कि हाँ इसमें सबसे पहले हुए सफल हो सकते हैं या जल्दी जॉब मिल सकता है? अगर हम बिहार में देखें तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ग्रामीण परिवार से तो आते ही हैं, लेकिन वो सक्षम नहीं होते हैं कि किसी बड़े कोर्स में जा सके या बड़े स्तर के कोर्स कर सके, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि उनकी फीस इतना ज़्यादा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग हमारे बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन सिस्टम चालू किया है, और इसी के रिगार्डिंग मैं एक सर से मिलने आया हूँ, उनसे बातचीत करूँगा, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, और जो भी विद्यार्थी लोन लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए चलते हैं उनके पास और रूबरू कराते हैं और जान पहचान करते हैं। स्वागत है आपका जी। थैंक यू। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अपना हमारा जो भी प्रश्नकाल है उससे पहले कि आप अपने बारे में थोड़ा बता दें, ताकि जो भी दर्शक देखे आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। ठीक है, मैं मोतिहारी द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम मिस्टर नवीन कुमार हुआ, जो कि विगत 4 वर्षों से मोतिहारी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग काम कर रहा, ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन में कोई परेशानी ना हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के माध्यम से सरकार 4 लाख रुपए बच्चे को मदद करती है। एक बात बताइए कि ये जो मतलब क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों के लिए है कि या हमारे यूपी या अन्य भी राज्य के विद्यार्थियों को आप दिलवा सकते हैं? नहीं नहीं, ये केवल बिहार के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें क्या निवास बिहार का होना मस्ट है, और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई बिहार से होना चाहिए। बिहार से होनी चाहिए, लेकिन क्या बिहार बोर्ड से होनी चाहिए या सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं? ये सबके लिए ओपन है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई या आईसीएसई, पर डजेंट मैटर, वो बिहार का निवासी होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर बिहार के किसी कॉलेज से होना चाहिए। अच्छा, ये 4 लाख का जो आपने बात किया कि 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा, क्या ये लोन जो भी विद्यार्थी हैं मेरे जैसे या जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके खाते में ये जमा राशि आएगा या कॉलेज का खाते में जाता है? देखिए, सबसे पहले कॉलेज का जो फीस है वो कॉलेज अकाउंट में जाएगा, हॉस्टल का फीस है, लैपटॉप का फीस है, या किताब कापी या स्टेशनरी का फीस होती है, वो बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, ये बताइए आप किस तरह का मदद करते हैं? अगर कोई विद्यार्थी आपके पास आता है या कॉल पे बात करता है तो आप उनको मतलब कैसे बताते हैं कि आप मतलब लोन कैसे मिलेगा या एडमिशन प्रोसेस मतलब क्या करते हैं उनके साथ कि उनको भी जानकारी मिले? देखिए, सबसे पहले कोई बच्चा कॉल करता है या ऑफिस आता है तो उसके मार्क्स रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, कौन सा कॉलेज बेहतर मिल सकता है या कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, उसका इंटरेस्ट और मार्क्स दोनों के अकॉर्डिंग देखते हुए जो बेहतर लगता है उसमें हम लोग सुझाव देते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन अडॉप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन करते हैं। एज अ काउंसलर ये आपको समझाएंगे बताएंगे कि ये ऐसी कोर्सेज है जिसमें आप जा सकते हैं और अच्छी खासी करियर बना सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 4 लाख का आपने लोन के बारे में बात किया, अगर 4 लाख लोन मिल गया, अगर विद्यार्थी मतलब देने का नियम क्या है, क्या उसको जॉब लगने के बाद देना होगा या अगर उसका जॉब नहीं होता है तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात जो पढ़ाई के टाइम होते हैं उसके बाद भी 1 साल गवर्नमेंट देती है एक्स्ट्रा, ताकि बच्चा सेट हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट चाहती है उसको इंस्टॉलमेंट में वो वापस कर दे जॉब लगने के बाद। चार एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 साल की कोई कोर्स है तो 1 साल और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 5 साल कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के बाद आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा। अगर 2 लाख से ऊपर आपने लिया है तो 84 किस्त इंस्टॉलमेंट बनेगा, 2 लाख से नीचे लिया है तो 54 किस्त बनेगा, इसी अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना हो। आपने बताया कि इस क्षेत्र में आप 4 साल से काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 4 सालों के दौरान कितने विद्यार्थियों का और आपने द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट की मदद से और इसके तहत कितने बच्चों का एडमिशन कराया और वे किस तरह और क्या उनका जॉब हो गया है, क्या वो अपने करियर में अभी असफल हो गए हैं? कि बहुत सारे बच्चे तो प्रिपरेशन में हैं, स्टडी में हैं, बहुत सारे बच्चे जो कि जॉब कर रहे हैं वो लोग पैसा भी रिटर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट का, कुछ बच्चे जॉब नहीं कर रहे तो उसका भी प्रावधान है, उसको एक्सटेंशन भी मिला है, और यहाँ पे हजारों बच्चे काउंसलिंग अब तक हो चुका है, जो कि हर साल 250-300 बच्चे आते हैं। और ये बताइए कि आप जितना भी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, जिस भी कोर्स में बच्चों का या विद्यार्थी का एडमिशन कराते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया या नर्सिंग हो गया, जो भी बहुत सारे कोर्सेज है, इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा बताते चलिए, और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि इस कोर्स के करने के बाद आप इस सेक्टर में जा सकते हैं, यहाँ करियर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप मेडिकल सेक्टर की ओर जाना चाह रहे हैं तो MBBS एक बेस्ट ऑप्शन है, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन में आता है BMS, BDS, BHMS, BUMS, नर्सिंग, GNM, BPT, ये सब मेडिकल लाइन के बेस्ट कोर्सेज है। अगर मेडिकल में इच्छा है
करियर बनाने का, लोगों की सेवा करने का, तो मेडिकल लाइन के सब बेस्ट कोर्सेज है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट होगा जिसका इच्छा हुआ टीचिंग लाइन में जाने का, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएड। अगर वो ग्रेजुएशन कर चुके तो बीएड कर ले, बीएड करने के बाद जॉब की चांसेस बढ़ जाते हैं, या इंटर किए तो डीएलएड कर ले। अगर टीचिंग लाइन में जाना हो तो सेम एज लाइक बहुत सारी इच्छा होता है किसी को फार्मासिस्ट लाइन में जाने के लिए तो फार्मेसी कर सकता है, नर्सिंग सेक्टर में जाना हो नर्सिंग कर सकता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना हो तो इंजीनियरिंग में तमाम तरह के ब्रांच होते हैं लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एलेक्ट्रिकल, माइनिंग, तमाम तरह के ब्रांचेज होते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट सेक्टर में जिसको जाना हो उसको बीबीए की कोर्सेज है, एमबीए के कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए के बेस्ट ऑप्शन है। जिसको लॉ डिपार्टमेंट में जाना हो बीए एलएलबी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एलएलबी हो या सिंपल एलएलबी कर सकते हैं। जिसको पत्रकारिता में जाना है वो बीजीएमसी बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग सेक्टर में जाना है तो बीएफए कोर्स कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी कि आपने अपना कीमती समय दिया और इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। जितने भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके घर में उनका छोटा भाई है या बहन है या कोई भी है, अगर आपको लगता है कि मेरा भाई पढ़ने में अच्छा है, इससे अच्छा कोर्सेज करना चाहिए या अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, इंडिया के किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, अगर आपको दिक्कत है फीस से तो इसकी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके मदद के लिए आ गया है द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट। नाम से ही लग रहा है कि विद्यार्थियों की मदद करने वाला एक केंद्र है। तो इनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और डिस्प्ले पे भी आपको दिख जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बताइए, अगर मेरा वीडियो देखकर कोई आपसे कॉल करता है या बातें करता है तो आप उसका मदद करेंगे? बिल्कुल 100% क्यों नहीं किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए नवीन जी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन अभिषेक मौर्य के साथ मैं रविशंकर कुमार।